So hello and good morning everyone, welcome to Thakur Classes और in the course of MJC MSc हम लोग एक नए पैटर्न का कोर्स लेकर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ कुछ फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो जो MSc MJC कोर्स फिजिक्स का, उसमें आपका पहला जो टॉपिक है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर. तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, जिसके द्वारा बहुत सारे फिजिकल इवेंट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, तो मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग होने के लिए पर्टिकुलरली यूनिट वेक्टर के बारे में आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ओके, तो डायरेक्टली हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, तो लुक, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इफ़ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है. व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे. ओके, इस कॉन्सेप्ट से हम शुरुआत करने वाले, ठीक है. तो देखिए, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल मोशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, दूसरा क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है. तो मोशन दो तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन. ओके, तो ऐसे ही यूनिट वैक्टर को हम क्या करेंगे कि दो तरीके से स्टडी करेंगे, कि जब मोशन हमारा सर्कुलर होगा तब कौन सा यूनिट वैक्टर हम यूज करेंगे. ओके, और जब मोशन हमारा लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा, तब कौन सा हम यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे. ओके, तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है. तो देखिए, चूंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, डेफिनेशन आपका लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन आपका फिजिक्स के टर्म में ही होना चाहिए. ओके, तो आप जानते हो कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है. तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है. मैं बॉक्स में लिख देता हूँ वेक्टर के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन है, ठीक है. पहला कंडीशन क्या है कि उस क्वांटिटी के पास होना चाहिए मैग्नीट्यूड. पहला कंडीशन यह है कि क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड. ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन है कि दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव डिफाइंड डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है. तो इस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन जो है ये भी फिक्स होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन इसका डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है. और थर्ड जो क्राइटेरिया है, इट मस्ट फॉलो वैक्टर एल्जेब्रा, ठीक है. यानी कि ये क्या करेगा, वैक्टर एल्जेब्रा फॉलो करेगा. यदि ये वैक्टर एल्जेब्रा को नहीं फॉलो कर रहा है तो फिजिकल क्वांटिटी वैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है. अरे समझ में, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट. जैसे इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है. तो करंट क्या होगा, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसा कुछ करंट का वैल्यू होगा. करंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है. करंट क्या होगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा. अरे समझ में, ये आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट के सभी अंदर. बट करंट चूंकि फॉलो नहीं करता है वेक्टर एडिशन लॉ को, दैट्स व्हाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी. क्लियर है. यानी कि वेक्टर को डिफाइन होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और थर्ड क्या है, वेक्टर एडिशन लॉ को वो फॉलो करना चाहिए. क्लियर है, ये वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो करना चाहिए. ओके, अब इसी वेक्टर के बहुत सारे टाइप में एक टाइप होता है यूनिट वेक्टर. तो यूनिट का मतलब क्या होता है, वन. तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. ये सिंपल डेफिनेशन इसका है. तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, तो वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड यानी वन मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, इसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. समझ में आ रहा है, ठीक है. तो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है. बट ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं जितना आपको लग रहा है. ओके, तो इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या होता है, इसको हम समझते हैं, ठीक है. तो देखिए, फॉर एनी वैक्टर ए, किसी भी वैक्टर ए के लिए, फॉर एनी वैक्टर ए, किसी भी वैक्टर ए के A के लिए, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर है, ठीक है. तो फॉर एनी वेक्टर ए, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, तो क्या इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है. तो मैंने क्या बताया था कि इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स यू हैव टू क्या कहते हैं, यू हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग मैथमेटिकली. ओके, मैथमेटिकली
बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये क्लियर है भाई। तो देखिए यहाँ पे इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होगा वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर ए कैप, क्लियर है। यानी किसी वेक्टर का भी यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट इट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बराबर होगा, ठीक है, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, समझ में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली आप सीधे इसको ए लिखोगे, ठीक है, तो दोनों राइट है। या तो आप ब्रैकेट के अंदर ए वेक्टर लगाकर ए लिखो और दोनों साइड मॉडुलस लगा दो, अदरवाइज सीधे आप सिंपली ए लिख दो, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड से जो डिवाइड करेंगे उसके बाद जो क्वांटिटी आएगा दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस मतलब इसका रिलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका रिलेवेंस क्या होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, गुड। तो यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगता है, ठीक है, तो क्या करता है ये, इन जनरल ये क्या करता है कि स्केलर को वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है, क्या करता है, स्केलर को वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, तो इट ट्रांसफॉर्म स्केलर इंटू वैक्टर, स्केलर इंटू वैक्टर, ठीक है, वैक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, स्केलर इंटू वैक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि स्केलर के मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना क्या करेगा, स्केलर के अंदर डायरेक्शन को ऐड कर देगा, तो स्केलर क्या होगा, वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए कोई स्केलर है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, ए कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ए को ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई डेफिनेशन क्या होता है, ए इंटू ए कैप बराबर वैक्टर ए, बराबर वैक्टर ए, तो ये जो वैक्टर ए है इसके अंदर क्या हुआ, डायरेक्शन ऐड हो गया, ठीक है, और साथ साथ क्या था, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी ए है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका ए ही रहेगा, बस इसके अंदर डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हुआ ये कि स्केलर ट्रांसफॉर्म हो गया वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है आपका, दिस इज योर स्केलर, ये स्केलर है, और इस स्केलर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ क्या हुआ कि एक मतलब जो जो ए था, ए नंबर, ठीक है, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग वैक्टर आ गया, वैक्टर ए, वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस स्केलर ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, दिस स्केलर ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, इनटू सम वेक्टर, ये क्लियर है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके। अब क्या होता है कि यूनिट वेक्टर दो तरीके का होता है, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर वैसे कई तरीके का होता है, ठीक है, बट आपको जो है दो ही तरीके का जानना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो यूनिट वेक्टर का टाइप कितना होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट वेक्टर का टाइप कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। तो पहली बात तो यह कि मोशन दो तरीके का होता है, या तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, या मोशन कहाँ पे होगा, मोशन आपका सर्कुलर पाथ पे होगा, ओके। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक कर देते हैं, एक हम लिखते हैं लीनियर मोशन, एक हम लिखते हैं लीनियर मोशन, यानी यूनिट वेक्टर फॉर लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन। सेकेंड इज सर्कुलर मोशन, तो यूनिट वेक्टर फॉर सर्कुलर मोशन, क्लियर है। अब जो लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन एक्सिस को यूज करते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन एक्स होगा, एक डायरेक्शन वाई होगा, एक डायरेक्शन जेड होगा, क्लियर है। और सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, टू डी मोशन है, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन, तो ये टू डी मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन का एक डायरेक्शन होगा अलोंग रेडियस, ठीक है, तो एक डायरेक्शन होगा रेडियस, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए,
एक ये डायरेक्शन होगा और एक क्या होगा, एक होगा टेंजेंशियल, एक होगा टेंजेंशियल। अरे समझ में, तो एक होगा रेडियल, एक होगा टेंजेंशियल, यानी एक डायरेक्शन आपका क्या है, एक डायरेक्शन आपका है रेडियल, रेडियल, ठीक है, रेडियल मतलब अलोंग रेडियस, और एक डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन है टेंजेंशियल, टेंजेंस, क्लियर है, टेंजेंशियल, ओके। तो देखो यूनिट वेक्टर जो है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए होता है आई कैप, क्या होता है आई कैप, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है के कैप, ये क्लियर है। तो लीनियर मोशन यदि एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा, लीनियर मोशन यदि वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप, और लीनियर मोशन यदि जेड डायरेक्शन में हो रहा है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप, क्लियर है। सिमिलरली जब लीनियर मोशन आपका हो रहा है अलोंग रेडियस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आर कैप, क्या होगा आर कैप, क्लियर है, आर कैप, ओके। तो आर कैप क्या है, अलोंग रेडियस यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर, आर कैप, किसी किसी बुक में ई आर कैप भी लिखता है, तो दोनों राइट है, आप ई आर कैप भी लिख सकते हैं और आर कैप भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, आपका चॉइस है, ई आर कैप और आर कैप, ओके। और टेंजेंट के लिए होता है थीटा कैप, क्या होता है थीटा कैप, किसी किसी बुक में ई थीटा कैप भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, ठीक है, थीटा कैप, क्लियर है। यानी कि सर्कुलर मोशन में जब मोशन को डिस्क्राइब करना हो अलोंग टेंजेंट, ओके, तो वहां पे हम यूज करते हैं टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को, दैट इज थीटा कैप और ई थीटा कैप। और यदि सर्कुलर मोशन में मोशन को डिस्क्राइब करना हो अलोंग रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर, और इसको डिनोट करते हैं आर कैप या ई आर कैप, इट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अब आप सभी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर, सॉरी, जो एक्स वाई जेड, ये जो तीन एक्सिस होती है आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो यू नो एक्स वाई और जेड आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ऐसे ही वाई और जेड के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम आई और जे की बात करें जो डिफरेंट एक्सिस पे है, ठीक है, एक एक्स पे है एक वाई पे है, तो डिफरेंट एक्सिस के बीच का एंगल चूंकि 90 डिग्री होता है, इसलिए डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि इफ़ यूनिट वेक्टर्स आर डिफरेंट, ठीक है, मतलब आई और जे, जे और के और आई, इस केस में दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो आप जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्लियर है, और आर कैप इज, मतलब क्या कहते हैं, रेडियल यूनिट वेक्टर, और थीटा कैप इज टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, तो बोथ आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर, तो दोनों के, सॉरी, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, तो इफ टू यूनिट वेक्टर्स आर डिफरेंट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ये पहला कंक्लूजन निकला। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला, पहला कंक्लूजन ये निकाला, ठीक है, कंक्लूजन रिजल्ट्स क्या क्या रिजल्ट निकाला, पहला रिजल्ट हमने ये निकाला कि एंगल बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स वेक्टर्स कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा, इज 90 डिग्री, ये ऑलवेज कितना होगा, 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है। बट जब यूनिट वेक्टर सिमिलर है, ठीक है, क्या है, सिमिलर है, अब यहां देखो दोबारा, इफ यूनिट वेक्टर सिमिलर, जैसे मान लो आई और आई है, ठीक है, ये मान लो ओरिजिन है, ये एक्स है, ये क्लियर है, एक्स और एक्स डैश है, तो मान लो दो आई है, तो दो आई को आप ऐसे दिखाओगे तो एंगल क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, एक आई कैप है, दूसरा आई कैप है, क्लियर है। अब मान लो कि एक आई को हटा दो, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब एक आई जो है मान लो इस तरफ है और एक आई इस तरफ है, थीटा क्या होगा इसके बीच, 180 होगा, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, 180 होगा, अरे समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यूनिट वेक्टर सिमिलर है, ठीक है, और दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर क्या है, सिमिलर है, बट बोथ आर एंटी पैरेलल, मतलब एक है राइट में, एक है लेफ्ट में, क्लियर है, इस केस में एंगल क्या होगा,
180 डिग्री, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी सेकेंड रिजल्ट हमने यहाँ से ये फाइंड आउट किया, ठीक है, कि इफ मतलब एंगल बिटवीन टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स एज 0 डिग्री, कितना होगा वो 0 डिग्री? 0 डिग्री कब होगा? जब पैरेलल है, जब पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। और 180 डिग्री कब होगा? जब एंटी पैरेलल है, ठीक है, जब एंटी पैरेलल है, क्लियर है। तो पैरेलल में थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। एंटी पैरेलल में थीटा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये भी आपको याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके रिजल्ट, ओके। बट आगे एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है एक मिडिल में कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, क्लियर है। और जब एक बार उसको हम समझ लेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट वेक्टर, सॉरी क्या कहते हैं, रेडियल यूनिट वेक्टर एंड टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, मतलब थीटा कैप और आर कैप, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थीटा कैप एंड आर कैप आर सो इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपके क्या कहते हैं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है MGCIIC, मतलब MIC के अंदर वेक्टर अल्जेब्रा, और वेक्टर अल्जेब्रा में यूनिट वेक्टर का टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आएगा, साथ साथ जो IIT जैम एग्जाम है वहाँ भी क्वेश्चन आएगा। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो चलिए पहले हम समझते हैं रिजोल्यूशन के बारे में, कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को रिजॉल्व करना, रिजॉल्व करना। तो यहाँ रिजॉल्व करने का मतलब होता है वेक्टर को ब्रेक करना, मतलब वेक्टर को प्रोजेक्ट करके देखना, ठीक है, कि वेक्टर का जो इफेक्ट है पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्यूशन। तो हम डेफिनेशन नहीं लिखते, क्योंकि डेफिनेशन चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं फॉर्मुलेशन के ऊपर, फॉर्मुलेशन को डायरेक्टली आप समझ जाएंगे तो डेफिनेशन याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके, सो देयर इज नो नीड टू मेमोराइज द डेफिनेशन। ओके, तो सपोज कीजिए कि हमने एक केस ले लिया, ठीक है, हमने इसमें इसमें चार केस होता है, ठीक है। तो पहला केस हमने ले लिया, एक सिंपल सा हमने केस ले लिया, केस नंबर वन। क्या केस है यहाँ पे? केस यहाँ पे ये है कि देयर इज अ वेक्टर, एक वेक्टर है, ठीक है, दैट मेक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो वेक्टर ए मैक्स एंगल थीटा थीटा विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, क्लियर है, एक्स एक्सिस। तो इस केस में मुझे बताना है कि इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना होगा, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कितना होगा, जब वेक्टर ए थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। हमने एक प्लॉट किया डायग्राम, वी हैव प्लॉट अ डायग्राम, तो आई हैव टेकन वन डायग्राम, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हमने क्या किया, एक वेक्टर ए ले लिया। सो वी हैव कंसिडर्ड अ वेक्टर ए, सो वी हैव कंसिडर्ड अ वेक्टर ए, क्लियर है। नाउ द एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज थीटा, ये कितना, ये थीटा है, ये आपका थीटा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, दो डिफरेंट कलर को यूज करते हैं इनके प्रोजेक्शन को देखने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, क्लियर है। तो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ए एक्स, क्या बोलते हैं इसको हम, ए एक्स, ठीक है। और ए एक्स का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस और एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। तो पहला पार्ट जो आपको ए एक्स दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कलर शायद ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, तो दैट्स वाई आई एम चूजिंग सम डिफरेंट पेन। तो व्हाट इज ए एक्स? ए एक्स इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस,
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। व्हाट अबाउट ए वाई, ए वाई क्या है? ठीक है, तो ए वाई कहाँ है? देखो भाई, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर दोबारा ड्रॉप किया वाई एक्सिस पर, तो ये जो आपको दिख रहा है ये ए वाई है, ये कितना है, ए वाई है, क्लियर है? व्हाट इज ए वाई? ए वाई इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। ए ऑन वाई, क्लियर है? वाई एक्सिस, क्या इसको एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको, एक्स कंपोनेंट। और इस वाले को बोलते हैं वाई कंपोनेंट, वाले को बोलते हैं वाई कंपोनेंट। और लुक, ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज वन थिंग मोर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आर ऑलवेज स्केलर, क्लियर है? तो कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा स्केलर होगा। तो ये जो आपको ए एक्स दिख रहा है, ए एक्स, ठीक है, ये क्या है, सिंपली एक नंबर है, ठीक है, इट इज सिंपली नंबर, दैट इज इट इज सिंपली अ स्केलर। ऐसे ए वाई क्या है, ए वाई एक नंबर है, इट इज सिंपली अ स्केलर, ठीक है, सिंपली अ स्केलर। चलिए मैं इसको प्लॉट को अगले पेज में बनाता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है, डायग्राम थोड़ा क्लियर दिखेगा। दिस इज योर वेक्टर, ये जो ए एक्स है, ये क्या आपका स्केलर है, दिस इज योर स्केलर, क्लियर है, ए एक्स आपका स्केलर है। ऐसे हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो ए वाई है, ये भी क्या आपका स्केलर है, क्लियर है, स्केलर है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, दिस लाइन, ठीक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो यदि ये ए वाई है तो ये भी कितना होगा, ए वाई हो जाएगा। और ऐसे ही ये जो लाइन है, ठीक है, इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो इफ दिस वन इज ए एक्स, ठीक है, दिस वुड बी ए एक्स, ये क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम स्केलर को जोड़कर वेक्टर एक्वायर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? यदि तुम स्केलर को जोड़ने के बाद वेक्टर लेकर आते हो तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को तुम वायलेट कर रहे हो, क्लियर है? जैसे आपने बचपन में एक सवाल बनाया हुआ कि यू हैव टू ऐड टू मैंगो प्लस थ्री लीची, ठीक है, व्हाट इज द आंसर, इज इट फाइव मैंगो और फाइव लीची? द आंसर वुड बी टू मैंगो एंड थ्री लीची, क्लियर है? क्यों? क्योंकि लीची एक डिफरेंट क्वांटिटी है और मैंगो क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है, क्लियर है? तो लीची और मैंगो को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लीची और मैंगो क्या डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है। बट यदि आपको ऐड करना हो फाइव मैंगो प्लस थ्री मैंगो, दैट इज एट मैंगो, ठीक है, तो फाइव प्लस थ्री एट इसलिए आया क्योंकि मैंगो क्या था, मैंगो सेम था, क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो कंपोनेंट है इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी में। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इफ़ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म सम स्केलर इंटू वैक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो क्या करो कि तुम्हें क्या क्या, क्या, क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ कि एक्स डायरेक्शन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वैक्टर होता है कितना होता है, आई कैप होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आई कैप से। अब जो ये ए एक्स आई कैप है, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, सिमिलरली इसे हमें वेक्टर बनाना है ए वाई को, ये कितना हो जाएगा, जे कैप, ए वाई जे कैप, क्लियर है? अब आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, एलेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए, पढ़ा है फ्रॉम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर है? तो वेक्टर ए बराबर होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, ए वाई जे कैप। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, ठीक है, ए वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कंडीशन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि थीटा एंगल कहाँ पे है, विद हॉरिजेंटल, ठीक है, विद हॉरिजेंटल, ओके। तो एक हम काम करते हैं, यहाँ पे हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो देखो भाई, फाइंड एक्स कंपोनेंट, फाइंड एक्स कंपोनेंट, तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉस थीटा बराबर होता है, ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस
बाई हाइपोटेनस। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, इफ देयर इज सम ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल का मतलब एंगल का वैल्यू क्या होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक्यूट एंगल थीटा है, थीटा है, तो थीटा का जो फ्रंट साइड है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है, और थीटा का जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होता है आपका, बेस होता है। ठीक है, बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये बेसिक चीज़ आप पढ़े होगे 9th 10th में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे। तो देखो भैया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस में हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका, बेस है आपका ए एक्स, और हाइपोटेनस क्या है आपका, ए ए है। ठीक है, ये है आपका बेस है आपका ए एक्स आई कैप। अब इसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और बाई ए तो कितना हो जाएगा बताओ, एक्स बाई ए, यहाँ से ए एक्स क्या आ जाएगा, एक्स एक्स कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस। तो इफ सम वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर इनटू कॉस थीटा होता है। ओके, इन द सिमिलर मैनर इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वाई कंपोनेंट, व्हाट अबाउट वाई कंपोनेंट। ओके, तो लुक, इसी ट्रायंगल के अंदर आप क्या करो, यहाँ पे निकाल दो साइन थीटा, साइन थीटा निकाल दो। थीटा के सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, ए वाई जे, ये साइड परपेंडिकुलर, ए वाई जे ये परपेंडिकुलर है वाई वेक्टर ए, तो कितना होगा ये, ए वाई बाई ए, यहाँ से ए वाई कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, तो देयर फॉर ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, आपने यहाँ से एक रूल फाइंड आउट किया, रूल क्या था, रूल ये था कि इफ सम वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ओके, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर इनटू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर इनटू साइन थीटा। ठीक है, अब कंडीशन थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं देखो, कंडीशन चेंज, पेन का कलर चेंज, पेन का कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, देखो वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल, विद वर्टिकल, तो वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। तो अब कंडीशन क्या है देखो, कि जैसे मान लो कि लेट देयर बी अ वेक्टर, एक वेक्टर ए है, एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल। अब निकालना है एक्स कंपोनेंट, तो क्या करोगे, पहले पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये तुम्हारा हो गया वाई कंपोनेंट, और इसको जे से मल्टीप्लाई कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, ऐसे ये हो गया एक्स कंपोनेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दो आई से, आई से, तो ये हो गया एक्स वाला डायरेक्शन, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, क्लियर है। नाउ अब क्या करो, इस एंगल को मान लो अल्फा, क्या मान लो अल्फा, ठीक है, तो देखो थीटा प्लस अल्फा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा प्लस अल्फा कितना डिग्री है, पूरा कितना है भैया बताओ, नाइन्टी, तो अल्फा कितना होगा बताओ, अल्फा होगा 90 माइनस थीटा, थीटा, ठीक है, तो बताओ एक्स कंपोनेंट क्या होता है, योर एक्स कंपोनेंट इज ए कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या है, थीटा एंगल मेट विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, अल्फा है, थीटा नहीं है, ठीक है, क्या है, अल्फा है, ये हो गया ए कॉस अल्फा, मतलब ये हो गया ए कॉस अल्फा कितना है, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो कितना हो गया ये, ए साइन थीटा, ऐसे ए वाई क्या होगा, ए साइन अल्फा,
कितना होगा बताओ, अल्फा कितना है, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कितना हो गया ये हो गया ए कॉस थीटा, दिस टर्न्स आउट ए कॉस थीटा, समझ में आ गया, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ठीक है। तो आपने दो रूल लर्न किया, पहला रूल क्या लर्न किया कि इफ ए मेक्स एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल तो एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा, इफ सेम ए मेक्स एंगल थीटा विथ वर्टिकल तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट साइन थीटा हो जाएगा, वाई कंपोनेंट कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, क्यों मैंने आपको इतना टाइम खाया, क्यों टाइम वेस्ट किया, तो रीजन क्या था देखो सर, तो हमें डिफाइन करना है यूनिट वेक्टर, ठीक है, हमें डिफाइन करना है रेडियल यूनिट वेक्टर को, ठीक है, किसे डिफाइन करना है, रेडियल यूनिट वेक्टर, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियल यूनिट वेक्टर। तो देखो तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ना ही तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आएगा, एग्जाम के अलावा जो IIT जैम है वहाँ भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और जाम में भी क्वेश्चन आएगा, जाम समझते हो, जाम समझते हो ना, जाम से जाम मिला, ठीक है, चलो तो वहाँ भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो रेडियल यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं या तो आर कैप से, अदरवाइज को हम डिनोट करते हैं ER कैप से, तो दोनों सिंबल जो है इक्वली एप्लीकेबल होगा, क्लियर है भाई, दोनों इक्वली एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, डिराइव करना है। हमने मान लिया कि एक सर्कुलर पाथ है, हमने मान लिया कि एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है अलॉन्ग रेडियस, ठीक है, रेडियस, तो हमने क्या किया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट से जो है, ठीक है, मान लो पार्टिकल जो है ना सर्कम इस पेरीफेरी पे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ट्रैवल कर, क्लियर है, जो सर्कल है सर्कल, सर्कल का सर्कम फेरेंस है, इस पे ट्रैवल कर रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है, तो पार्टिकल या तो ऐसे ट्रैवल कर सकता है या पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर सकता है, तो पार्टिकल मान लो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इसको हम नहीं मानते, ठीक है, इस वाले को हम कंसिडर नहीं कर, सिर्फ हम इस पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, क्लियर है। तो देखो भैया सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो है ये आर वैक्टर है, कितना वैक्टर है, आर वैक्टर, ये आर वैक्टर है, क्लियर है, ये आर वैक्टर है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है दो एक्सिस ले लिया, एक्स और वाई एक्सिस, एक ले लिया वाई एक्सिस और एक ले लिया एक्स, ले सकते हैं ना ऐसा, एक्स और वाई एक्सिस। अब मान लो कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल ये थीटा एंगल बनाता है यहाँ पे, तो तुम जानते हो कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यदि ये थीटा तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा हो गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा थीटा हो गया, क्लियर है, थीटा हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्या करो, इसको कुछ मान लो, इसको मान लो ओ, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, क्लियर है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ऐसा मान लो, ठीक है, मान लिया ऐसा। चलो नाउ एक बात बताओ मुझे ज़रा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर क्या होगा, दिस वेक्टर, क्लियर है, दिस वेक्टर, तो आप लिख सकते हो कि ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर बराबर क्या होगा, बराबर होगा ओ बी वैक्टर, क्लियर है, ओ बी वैक्टर। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम ट्रायंगल रूल वेक्टर ओ बी बराबर ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये जो ओ बी, ओ बी है, ठीक है, ओ बी ये आर वेक्टर है, तो तुम जानते हो कि आर वेक्टर जो होता है कितना होता है, आर इंटू आर कैप होता है, ठीक है, बड़े हो ना, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, आर कैप बराबर वेक्टर आर बाई आर, तो आर वेक्टर इक्वल टू आर डॉट आर कैप। तो ये जो ओ बी है, ओ बी, ठीक है, ओ बी, इसको हम लिख सकते हैं ना आर डॉट आर कैप, आर डॉट आर कैप, ठीक है। अब देखो ओ ए निकालना, क्या निकालना है, ओ ए, तो ओ बी वैक्टर जो है, जो आर वैक्टर है, इट मेक्स एंगल थीटा, ठीक है, थीटा विथ हॉरिजेंटल ओ ए, इसका मतलब ये हुआ कि इस आर का जो ओ ए वाला पार्ट होगा, दिस पार्ट, वो कितना होगा, वो होगा आर कॉस थीटा, ये पार्ट क्या होगा बताओ, आर कॉस थीटा इंटू आई कैप, ऐसे ही इसका सामने वाला पार्ट क्या होगा, आर साइन थीटा इंटू जे कैप। तो देखो ओ ए वाले पार्ट को तुम लिखोगे आर कॉस थीटा आई कैप, और ए बी वाले पार्ट को क्या लिखोगे, आर साइन थीटा जे कैप। अब आर कॉमन ले लीजिए,
आर कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा आर, आर कैंसिल हो गया तो यहाँ से डेफिनेशन क्या आ गया आर कैप का, तो आर कैप हमारे पास है आई कैप कॉस थीटा, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, जे कैप साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है थीटा कैप, क्या निकालना है थीटा कैप। तो नाउ टेल मी वन थिंग कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या कहते हैं, कितना डिग्री होता है बताओ, 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अदर लाइन लिया, समझो इसको, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और शॉर्टकट है ये, ठीक है, क्या ये शॉर्टकट, देखो ये क्या आपका रेडियस है, रेडियस है, और ये यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो वी हैव ड्रॉन वन टेंजेंट, तो इनके बीच का जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा बताओ, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेडियस को यदि हम घुमा दें 90 डिग्री के लिए तो क्या कहते हैं, तो ये रेडियस क्या होगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इफ रेडियस इज टर्न बाई एंगल 90 डिग्री, ठीक है, हाउ मच, 90 डिग्री, इट विल ट्रांसलेट इन टू क्या कहते हैं, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। तो ये जो आपको दिख रहा है टेंजेंट, ये थीटा कैप इसका यूनिट वैक्टर होता है, क्या होता है, यूनिट वैक्टर होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि रेडियस को घुमा देना है 90 डिग्री से, ठीक है। तो बताओ मुझे अब थीटा की जगह क्या होगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से ही बना सकते हैं बट वो तरीका काफ़ी लंबा होगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट को यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, वी हैव यूज शॉर्टकट, ठीक है। तो देखो भाई, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड रेडियस बाई 90 डिग्री, ट्रांसफॉर्म्ड रेडियस बाई 90 डिग्री, तो रोटेशन ऑफ रेडियल वेक्टर बाय 90 डिग्री यील्ड रोटेशन ऑफ रेडियस, ठीक है, या रेडियल पाथ, ठीक है, रेडियल पाथ बाय 90 डिग्री यील्ड, क्या आता है वहां से बताओ। देखो भाई हमारे पास है, ठीक है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है आर कैप बराबर आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो हमने क्या किया, हमने इसको टर्न कर दिया 90 डिग्री से, कितना डिग्री से, बाय 90। तो देखो आर कैप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा कैप में, आर कैप कन्वर्ट हो जाएगा थीटा कैप में, तो थीटा कैप बराबर होगा आई कैप कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, जो कि 90 डिग्री टर्न कर गया ये, प्लस जे कैप साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर है। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस आई साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, जे कॉस थीटा, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। तो देखो थीटा कैप क्या हो गया, तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं इसको, ठीक है, कंक्लूड करते हैं, तो रेडियल जो हो गया, रेडियल यूनिट वेक्टर आर कैप, जिसको हम ई आर कैप भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आई कैप साइन थीटा, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ठीक है, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, और थीटा कैप क्या होता है, थीटा कैप होता है माइनस आई साइन थीटा, प्लस जे कॉस थीटा, दिस टू रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके एग्जाम में यहां तक आएगा, ठीक है, एग्जाम में आपके यहीं तक आएगा, ठीक है, बट यू नो देर इज वन एग्जाम एट एमएससी लेवल दैट इज कॉल्ड आईआईटी जैम एग्जाम, तो वहाँ पे क्या पूछता है, देखो वहाँ पे पूछता है कि थीटा डॉट कितना होगा और आर डॉट कितना होगा, निकाल लो थीटा डॉट कितना होगा, आर डॉट कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ थीटा डॉट एंड आर डॉट, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर विच एग्जाम, और आई आई टी जैम एग्जाम,
आईटी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लेना, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा इस तरह का, ठीक है, 2023 में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा है। तो आईआईटी जैम इज़ एग्जाम जिसके द्वारा जो है आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हो, आईआईटी से आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है, ओके। और ये एग्जाम बीएससी पास वालों के लिए होता है, ठीक है, प्लस टू वालों के लिए नहीं होता। जो प्लस टू वालों के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेई मेन और एडवांस। तो देखो भाई क्या पूछेगा आपसे, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है आर डॉट, क्या निकालना है आर डॉट, हमें निकालना है आर कैप इसका डॉट। तो डॉट का मतलब होता है डेरिवेटिव, डॉट का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव। सिंगल डॉट मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो, डबल डॉट मतलब दो बार डिफरेंशिएट करो, ट्रिपल डॉट मतलब तीन बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी, तो डी बाई डी टी आर कितना है, माइनस आई कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा। अच्छा यदि इसको हम डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत है आपको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव क्या, यहाँ पे फंक्शन क्या है, थीटा का फंक्शन है, आर इज फंक्शन ऑफ थीटा, आर क्या है थीटा का फंक्शन है, इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट्स हमने क्या कि यहाँ पे लिया डी थीटा बाई डी थीटा। अब इसको रीअरेंज कर दो, इसको तुम चाहो तो लिख सकते हो डी अपॉन डी थीटा आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, गुड। अब देखो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा कितना होगा कॉस थीटा, ये कैप कॉस थीटा, कॉस थीटा। और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा होगा, क्या होगा ओमेगा, ठीक है। या तो तुम इसको ओमेगा लिखो या तुम ओमेगा मत लिखो, ठीक है, डायरेक्टली इसको थीटा डॉट लिखो, थीटा डॉट लिखो, ठीक है। अब देखो माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा क्या है, थीटा कैप है ना, थीटा कैप, देखो यहाँ पे माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा थीटा कैप है, ठीक है, थीटा कैप है। इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो थीटा डॉट थीटा कैप, ओके। तो यही क्वेश्चन आई टी जैम में पूछा था, ठीक है, पूछा था कि आर डॉट कैप जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होता है, थीटा डॉट थीटा कैप। आप जैम का क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, आई टी जैम 2023 के अलावा और भी, मतलब इस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, ऐसा नहीं कि एक बार पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सेकंड क्या, सेकंड आपको निकालना है क्या, सेकंड निकालना है थीटा डॉट, सेकंड निकालना है थीटा डॉट का कैप, सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट थीटा कैप का डॉट निकालना है, कर लो डी थीटा कैप बाई डी टी आपको निकाल, क्या करोगे डी अपॉन डी टी, थीटा कैप कितना है माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, यही है। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे हम डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चूँकि ये जो ये मतलब क्या कहते हैं माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा इज फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसे आप लिख सकते हो डी अपॉन डी थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, अब देखो d अपॉन डी थीटा साइन थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस आई कॉस थीटा, और d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस जे साइन थीटा, और d थीटा अपॉन डी टी कितना होगा थीटा डॉट, ये थीटा डॉट हो गया, माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा डॉट आई कॉस थीटा प्लस जे,
आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। बताओ आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा क्या होता है, आर कैप होता है, क्या होता है आर कैप। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा डॉट आर कैप, आर कैप। तो देखो दो रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट क्या आया, थीटा डॉट बराबर होता है, ठीक है, थीटा डॉट बराबर होता है माइनस थीटा डॉट इंटू आर कैप, ठीक है आर कैप। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास आया कि ये होता है माइनस सॉरी थीटा डॉट, क्लियर है, थीटा डॉट थीटा कैप। तो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। इफ यू विल सी द क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जैम, ओके, इन आईआईटी जैम एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 4 to 5 times, ओके। तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसका डेरिवेशन आ सकता है, ओके। एंड दिस रिजल्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट कि जब आप क्या कहते हैं आपके मतलब कोर्स में सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, वहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है और वहाँ पे एक टॉपिक और भी दिया हुआ है कि क्या कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मतलब सॉरी वहाँ पे एक टॉपिक दिया रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब आप पढ़ोगे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इसको आप फ्रिक्वेंटली आप यूज करोगे। तो दिस टूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, ओके। तो काइंडली मास्टर दिस टूल एंड इफ यू लाइक आवर कोर्स यू मे ज्वाइन दिस कोर्स फुल कोर्स ऑन ठाकुर सर अकेडमी ऐप, ओके। द ऐप नेम इज ठाकुर सर अकेडमी, तो यू मे ज्वाइन दिस कोर्स ऑन दिस ऐप ठाकुर सर अकेडमी ऐप एंड रेस्ट इन्फॉर्मेशन आर गिवन ऑन दिस ऐप। तो इस ऐप के द्वारा आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हो, ओके। तो फुल कोर्स हैज बीन ऑलरेडी लॉन्च्ड ऑन आवर ऐप, थैंक यू।